श्री बांके बिहारी शिक्षा समिति के द्वारा मथुरा में एक पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया, जहां कुछ दिन पूर्व कराई गई सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता में भाग लेने वाले बच्चों को पुरस्कार बांटे गए। श्री बांके बिहारी शिक्षा समिति के तत्वाधान में रविवार को राधिका विहार रोड स्थित किरण वाटिका में एक पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पधारे मुख्य अग्निशमन अधिकारी प्रमोद कुमार शर्मा और महामंडलेश्वर किशोरी शरण महाराज ने संयुक्त रूप से ठाकुर बांके बिहारी के चित्रपट पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलन किया। श्री बांके बिहारी शिक्षा समिति के तत्वाधान में कुछ माह पूर्व सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें मथुरा जिले के कई ग्राम के बच्चों ने भाग लिया था, जिसका पुरस्कार वितरण समारोह आज किया गया, जिसमें CFO प्रमोद कुमार शर्मा ने बच्चों को अपने हाथ से प्रमाण पत्र, मेडल और इनाम देकर उनकी हौसला अफजाई की। कार्यक्रम में बच्चों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि समाज को ऐसी संस्थाओं की आवश्यकता है जो बच्चों को शिक्षा की तरफ आगे ले जाएं और उनकी हर संभव मदद करें। तो यहां पर बुलाया है और बच्चों के साथ मिलने का मेरे को दोबारा से एक मौका मिला, क्योंकि क्लास में जो था, जब हम बच्चों के साथ मिलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे दोबारा से हमारी क्लास की स्टार्ट हो गई। ऐसा ही आज भी हमारे को फील हो रहा है कि बच्चों के बीच में जब भी आते हैं तो स्कूल की यादें ताजा हो जाती है। और एक बिटिया है जो नहीं पहुंच पाई, जिसने की फर्स्ट प्राइज में भी खुशबू नाम बताया था, तो जो खुशबू है आपको उस खुशबू को पीछे छोड़ना है, ठीक है। तो जो बच्चे पीछे हैं उनको उस खुशबू को सिंपल बनाना है कि उस खुशबू से हमारे को आगे बढ़ना, और जो खुशबू है वो तो हमेशा महकती रहेगी, आगे बढ़ती रहेगी, वो तो ऊपर ही रहनी है, लेकिन आपको उस खुशबू को पकड़ना है। ये नहीं कि भाई जो मिल गया बस उसी में संतोष करना है, कभी संतोष लाइफ के अंदर नहीं होना चाहिए, कुछ ना कुछ पाने की और इच्छा रहनी चाहिए। जिस आदमी की इच्छाएं खत्म हो जाती है फिर वो भगवान की प्राप्ति कर लेता, ठीक है। तो इच्छाएं जो है वो हमेशा मन के अंदर जब तक आपकी रहेंगी, जितने ज्यादा सवाल आप पूछते हैं उतना ज्यादा आप सीखते हैं। जो सवाल पूछने वाला बच्चा होता है वो एक बार मूर्ख कहलाता है, किसको कुछ नहीं आता, हमेशा पूछता ही रहता है। लेकिन जो पूछता नहीं है, चुपचाप बैठा रहता है, जिसको कुछ आता भी नहीं है, पूछता भी नहीं है, तो जिंदगी भर वो मूर्ख ही रह जाता है। तो जितने सवाल आप अपने माँ बाप से पूछ सकते हैं, जितने सवाल आप अपने गुरुजी से पूछ सकते हैं, जितने सवाल आप नियर एंड डियर से पूछ सकते हैं, उतने सवाल आप पूछते रहिए। पड़ता है, पूछा किसी ने चिड़िया से कि कैसे बना आसियां, तो उसने कहा कि बार बार उड़ान भरनी पड़ती है और तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो जो छोटी छोटी चीजें हैं वो आपको सीखनी पड़ेगी अपनी लाइफ में, उसको अडॉप्ट करना पड़ेगा और उसी को धारण करते हुए आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। कई सारे लोग ये सोचते हैं कि बस एक बार हो गया, मैं तो बस आगे भी फर्स्ट ही आऊंगा। तो जो एक अपने अंदर का जो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो तो होना चाहिए, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस कभी नहीं होना चाहिए कि बस मेरे को पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं तो बस फर्स्ट ही आता हूँ। तो कई बार जो होता है खरगोश जो है रेस हार जाता है, कछुआ जीत जाता है। तो निरंतर जो प्रयास है वो आपके रहने चाहिए और निरंतर आपको आगे बढ़ता रहना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।